दोस्तों मेरा बाबू ट्राई करके देख रहा है कैसा बना है। अभी तो हम मुंह नहीं धोए, नहीं तो हम भी ट्राई करते। खा के देखो, वो सरसों समेत खाओगे तब ना मजा आएगा जी। कैसा लगा? अच्छा तो इधर नहीं करोगे तब ना किसी के ग्यारह नहीं कर रहे। ऐसा लग रहा है केक खा रहे थे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आज का हमारा रेसिपी है ढोकला। सूजी और बेसन का ढोकला बनाने जा रहे हैं लंच में, सुबह टिफिन में डालने के लिए। तो वीडियो में बने रहिए और चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों देखते रहिए कैसे बनता है। सबसे पहले ले लेंगे बेसन। बेसन का मतलब लगभग एक कप ले लिए हैं बेसन। सूजी ले लेंगे दोस्तों, सूजी को मात्र थोड़ा ज़्यादा ही लेंगे, डेढ़ कप करीब। आने वाला सोडा दोस्तों थोड़ा सा, लगभग दोस्तों दही मिलाएंगे कुछ। अब इसको अच्छा से फेंट लेंगे दोस्तों एकदम। बैटर को अच्छे से मिलाएंगे दोस्तों एकदम, सानना पड़ेगा। पानी डालेंगे सुन दिखाएंगे, हल्का हल्का पानी डालेंगे दोस्तों, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, धीरे धीरे सब मिलाना है। बैटर तैयार हो गया दोस्तों, देखिए इसी तरह का होना चाहिए एकदम बैटर, मस्त वाला। अब इसको कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, 15-20 मिनट के लिए। हम लोग का बैटर पूरा तैयार हो गया है, ये आधा घंटा से ज़्यादा तक रखा गया, देख सकते हैं कैसा घोल हमारा एकदम, और ये फुलल फुलल टाइप का हो गया। अब इसको लगाते हैं दोस्तों। यह इडली मेकर, हम लोग के पास कुकर तो छोटा वाला है, छोटा में होगा नहीं, इसलिए इडली मेकर में डाल रहे हैं। देखिए कैसे डालते हैं। सबसे पहले इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, पहले दोस्तों इसमें प्लेट में थोड़ा सा ग्रीसिंग कर लिए, मतलब तेल लगा लिए। उसके बाद ये कुकर का मतलब ऐसे इडली मेकर का इसको उल्टा करके लगा देंगे, उल्टा करके रख दिए और इसमें बैटर को डालेंगे। इसको ऐसे रख देंगे, अच्छा से बेक हो जाएगा। इसमें बैटर को डाल के फैला देंगे दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से पूरा ही प्लेट में फैल गया। अब इसको अच्छा से ढक देंगे, ढक के इसको बेक होने के लिए गैस पर चढ़ा देंगे। अब इसको कम से कम 20 मिनट तक बेक होने के बाद में फिर एक बार चेक करते हैं
सीधा कि नहीं सीधा, सीध गया नहीं लटक रहा है मुझे। ढोकला हमारा रेडी हो गया है, गैस बंद कर देते हैं। तो इसका ही ठीक हो जाएगा। फूल गया है दोस्तों एकदम। काट लेंगे दोस्तों बर्फी के आकार का, जैसा बर्फी बनता है ना उस तरह का काट लेंगे। सरसों डालेंगे दोस्तों, चटाएगा सरसों। मिर्चा, इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है कढ़ी का पत्ता। कढ़ी का पत्ता डालना जरूरी है दोस्तों, उसके बिना स्वाद नहीं लगे। हम तो कोई मजे होगा नहीं। मेरा बाबू खाने के लिए ललायत हो गया दोस्तों, अभी इसका लंच बॉक्स में डलाएगा। कढ़िया पत्ता थोड़ा फ्राई होगा तब नहीं। इसमें पूरा फैला देंगे दोस्तों। इसको निकालेंगे दोस्तों दूसरे प्लेट में। वाओ, केक टाइप का बन गया है यार। केक टाइप का, पूरा केक टाइप का हो गया, फूल फूल गया। देख सकते हैं दोस्तों एकदम स्पंजी केक टाइप का।
शानदार ढोकला बनके तैयार। बर्फी टाइप का करते कुछ ना सर, खरीद के खाने में कैसे कितना लगता पीस है मालूम? 100। बात सही है, 100 से ज़्यादा नहीं चलते। और ये बन के रेडी हो गया 20 रुपए में। तो सर आएंगे कैसे? अभी मत बना भी नहीं हो। देख सकते हैं दोस्तों कैसा एकदम स्पंजी बनल है। बन किया ना दोस्तों, मेरा बाबू ट्राई करके देख रहा है कैसा बना है। अभी तो हम मुंह नहीं धोए, नहीं तो हम भी ट्राई करते। खा के देखो, वो सरसों समेत खाओगे तब ना मजा आएगा जी। कैसा लगा? अच्छा अच्छा। तो इधर मुंह करो। ऐसा लग रहा है केक खा रहे हो। लंच बॉक्स डाल दिए दोस्तों, देखिए मेरे बाबू का मस्त मस्त। इसमें थोड़ा सा बंद करो, बंद करो अच्छा से। तो दोस्तों हम लोग का ढोकला बन के तैयार हो गया। आप लोग को कैसा लगा कमेंट करिएगा, पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों का शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।